रह रहे हैं, ये पर्सनल चॉइस है या आपको कोई सूटेबल नहीं सोल नहीं मिल रहा था? ऐसा बस किस्मत में ऐसे लिखा था। क्या किस्मत, तो आप खुद लिखते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। आप फेटलिस्ट हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या है आप बताएं? नहीं, मैं, आप जिंदगी को क्या समझते हैं बताइए। नहीं नहीं, मैं मेरा मतलब है किस्मत मैं लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं आज इस होटल का मालिक बन जाऊँ, तो मैं आज तो नहीं बन सकता, बट किस्मत में अल्लाह ताला वो रास्ता भी तो डालता है जिस पे वो चलना पड़ता है, तो वो फिर आपको मिलता है। तो ये एक इंसान तो आप अपने आपको रिजाइन कर चुके हैं इस मामले में क्या? रिजाइन कर चुके हैं इस मामले में? किस मामले के? ये बस अब नहीं मुमकिन है। नो कमेंट। जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि जावेद शेख की क्लिप आपने सुन ली है और आपने अंदाज़ा भी लगा लिया है कि किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। जी हाँ, जावेद शेख से जब पूछा गया कि आप दोबारा शादी करने के हक में हैं, तो जावेद शेख ने कहा, उस पर कोई किसी भी कमेंट का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने आगे से यही कहा कि देखिए जो चीज़ें किस्मत में लिखी होती है वो तो होकर ही रहती हैं, यानी कि उनका पूरा इरादा है दूसरी शादी करने का, जिसमें लोगों के बहुत से कमेंट्स से आपको वो कमेंट्स भी दिखाएंगे ज़रूर अपनी इस वीडियो में ही। जावेद शेख की ने शादी कर ली थी, पहले उनकी शादी हुई थी, उन्हें डिवोर्स दे दी, उसके बाद दूसरी शादी हुई, उसके बाद भी डिवोर्स हो गया, ये उनकी तीसरी शादी थी। मजीद वो एक चौथी शादी करने के हक में है। जावेद शेख से जब पूछा गया कि आप दूसरी शादी करेंगे तो तीसरी शादी करेंगे, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, यानी कि वो कोई भी कमेंट करने के हक में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों ने उस बारे में कोई राय का इजहार नहीं किया, क्योंकि उनका यही अंदाज़ा है कि हमारे फादर अगर दूसरी शादी की बात करेंगे भी तो हम उन्हें कह कोके मना कर देंगे, क्योंकि जावेद शेख का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी रहा है। मिलते हैं कुछ देर बाद।